कांग्रेस ने बीजेपी से 180 सीट छीन ही लिया। 180 सीट पर दोनों में टकराव, लड़ाई और घोषित। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज प्रत्याशियों की जिस तरीके से लिस्ट जारी करेगी, उससे कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को बेकाम करने के लिए कांग्रेस बता रही है कि 180 सीट हमारी है और विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से 180 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, वो बताया जा रहा है कि 180 विधानसभा सीट पर जितने भी प्रत्याशी का नाम है उस पर मोहर हम लगाएंगे। कांग्रेस बार बार दावा कर रही है कि जिस तरीके से बीजेपी अपना रणनीति बनाकर आगे बढ़ रही है, तो हमें भी रणनीति बहुत तेज करना होगा। कर्नाटक विधानसभा की सभी 224 सीटों के लिए 10 मई को जिस तरीके से चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे, उससे कांग्रेस बड़ा बड़ा ऐलान करती जा रही है। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए रविवार को दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जिस तरीके से रहे, उनमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा गया कि वो लोग सभी बैठ करके अपना तर्क मीटिंग कर रहे थे। और इधर कांग्रेस अपना तर्क पे तर्क बनाए जा रही है, और जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी अपना गठन किया, उसको लेकर यहाँ पे कांग्रेस बार बार बैठक कर रही है और कह रही है कि यहाँ सिर्फ कर्नाटक में हम सीट लेकर आएंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वोट हमारा ही होगा। बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है, उससे लग रहा है कि बीजेपी अब बहुत ज़्यादा पीछे गिरने वाली है। जिस तरीके से कांग्रेस बड़ा बड़ा ऐलान करती जा रही है और बार बार मीटिंग करती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से रैलियां भी बहुत तेज शोर शराबा के साथ किया जा रहा है कर्नाटक में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है, तो कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो तो 13 मई को पता चलेगा कि आखिर में किसके हाथ में सत्ता आने वाली है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं।